अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभा या तीर्थ पुरोहितांच्या राष्ट्रीय स्तरावर काम करणाऱ्या महासभेचं अधिवेशन शनिवारी त्र्यंबकेश्वर येथील गुरु गोरक्षनाथ आखाड्यात मोठ्या उत्साहात संपन्न झालं. अधिवेशनाची सुरुवात शोभायात्रेनं करण्यात आली. सकाळी 9 वाजता गुरु गोरक्षनाथ आखाड्यापासून सवाद्य शोभायात्रा काढण्यात आली. पालखीमध्ये गंगा गोदावरीची मूर्ती विराजमान करण्यात आली होती. कुशावर्त तीर्थावर गंगापूजन करण्यात आलं. यानंतर भगवान त्र्यंबकेश्वराचं दर्शन घेऊन अभिषेक पूजा करण्यात आली. पूजाविधी संपन्न झाल्यावर शोभायात्रा कार्यक्रम स्थळी आणण्यात आली. यानंतर अधिवेशनाच्या सूत्राला प्रारंभ करण्यात आला. मथुरा निवासी नामवंत तीर्थ पुरोहित आणि उद्योजक महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष महेक पाठक, नवीन नागर विनोद चतुर्वेदी, संजय चतुर्वेदी, नगराध्यक्ष पुरुषोत्तम लोहगावकर, श्रीकांत वरिष्ठ, गोदावरी पंचकोटी पुरोहित संघ नाशिकचे अध्यक्ष आणि तीर्थ पुरोहित महासभेचे राष्ट्रीय मंत्री श्री गंगा गोदावरी पंचकोटी पुरोहित संघ नाशिकचे उपाध्यक्ष दिलीप शुक्ल, नगरसेवक माधवी भुजंग, सायली शिकरे, मंगल आराधी त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त तृप्ती धारणे, डॉक्टर सत्यप्रिय शुक्ल, श्री महादेवी देवीस्थान ट्रस्टचे अध्यक्ष दिलीप जोशी, लोणारी पतसंस्थेचे चेअरमन मिलिंद धारणे, त्र्यंबकेश्वर सोसायटीचे चेअरमन मोहन लोहगावकर, श्रीराम मंदिर संस्थेचे अध्यक्ष बाळासाहेब कळमकर, श्री परशुराम मंदिर संस्थेचे अध्यक्ष केदार पाटणकर आदी मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते. उपस्थित मान्यवरांच्या हस्ते भगवान त्र्यंबकेश्वर आणि गंगा गोदावरी माता यांच्या प्रतिमेचं पूजन दीप प्रज्वलन करून अधिवेशनाचा शुभारंभ करण्यात आला. त्र्यंबकेश्वर पुरोहित संघाच्या वतीनं उपस्थित मान्यवरांचा यथोचित सत्कार करण्यात आला. त्र्यंबकेश्वर पुरोहित संघाच्या दिनदर्शिकेचा प्रकाशन सोहळा यावेळी संपन्न झाला. प्रयागराज, अयोध्या, गोकुळ, मथुरा, काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, कुरुक्षेत्र, पुष्करराज, नागेश्वरम, कांचीपुरम, ओंकारेश्वर, भीमाशंकर तसंच देशभरातून सुमारे 300 पेक्षा जास्त तीर्थ पुरोहित अधिवेशनास उपस्थित होते. या अधिवेशनाच्या निमित्तानं विविध तीर्थक्षेत्राचे तीर्थ पुरोहितांचा परस्पर परिचय झाला. या अधिवेशनात तीर्थक्षेत्रातील पुरोहितांच्या समस्या, पुरोहितांकरता शासनातर्फे लागणाऱ्या सुविधा, तीर्थक्षेत्रावर यात्रेकरूंकरता करावयाच्या सोयी सुविधा, तीर्थ पुरोहितांपुढील अडचणी यावरील उपाय, सरकारकडून अपेक्षा अशा विविध विषयांवर विचारमंथन करण्यात आलं तसंच ठराव करण्यात आले. त्र्यंबकेश्वर पुरोहित संघाच्या वतीनं नगराध्यक्ष पुरुषोत्तम लोहगावकर यांनी आपलं मनोगत व्यक्त केलं. हे तीर्थेश्वर देवा हा सभी लोग भारतवर्ष के अनेक जो महान तीर्थ है तीर्थ से आए हुए सारे भूदेव को मैं सहृदय से नमस्कार करता हूं. ब्राह्मण का दर्शन लेने से पापों का हरण होता है. विक्रोध दर्शना शिप्रम पायत पापंते पापराशया. आप लोगों का सबका दर्शन हो गए, हम धन्य हो गए. मुख्य विषय है कि तीर्थ पुरोहित का संगठन होना चाहिए. मैं ऐसे जगह पे रहता हूं जहां पे गोदावरी का उद्गम स्थान है और जहां कुशावर्त है जिसको तीर्थराज बोला गया है. तीर्थराज का मतलब तीर्थों का विकास करना हमारे सारे पुरोहित लोगों का परम कर्तव्य है और हम नगर पालिका के माध्यम से हम हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि हमारे जो त्र्यंबक नगरी उसका विकास हो. विकास इसलिए हो कि भारतवर्ष से विदेश से जो सारे भाविकगण यहाँ पे आते हैं उनको अच्छा सुविधा प्राप्त हो. त्र्यंबकेश्वर में भी हमेशा कोशिश करते भारत के भाग्य विधाता और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र जी भाई इन्होंने त्र्यंबकेश्वर के तीर्थ विकास का संपूर्ण विकास होना चाहिए. इसलिए महाराष्ट्र में उन्होंने हमको प्रसाद योजना का लाभ दिया है और उस प्रसाद योजना के माध्यम से हम त्र्यंबकेश्वर में आने वाले भक्तों का सुविधा कैसी हो, अच्छी तरह से हो, इसके लिए हम हमेशा कोशिश करते हैं. उन्होंने जो अपना कुशावर्त तीर्थ है जहाँ पे जल थोड़ा जल्दी खराब हो जाता है क्योंकि वहां स्नान करने के लिए इतने सारे भक्तगण आते हैं कि जो कुंड है कुंड के हिसाब से ज्यादा लोग आने के कारण वहां पे जल जितना पवित्र दिखना चाहिए, स्वच्छ दिखना चाहिए, उतना हमें दिखाई नहीं देता. लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं देवस्थान त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट हो, पुरोहित संघ हो या नगर पालिका हो, हम यत्न कर रहे हैं कि वहां का जल पहले जैसा पवित्र दिखाई देगा. इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और कोशिश के दरमियान हमें महाराष्ट्र के सरकार के अर्थमंत्री
करोड़ का हमें सपोर्ट दिया है। और महत्वपूर्ण बात की उन्होंने खुद ने के पवित्रता के लिए कदम उठाए, उनका मैंने आभार भी माना और बोले आगे भी जाके यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से अहिल्या गोदावरी घाट पे नारायणपुरी नागपुरी विधि के लिए जो भाविकगण आते हैं उनके लिए यहाँ बहुत बड़ा वास्तु का निर्माण होने वाला है। त्र्यंबकेश्वर पुरोहित संघाचे अध्यक्ष तथा त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त प्रशांत गायधनी यांनी आपल्या मनोगतात या तीर्थक्षेत्राचं महत्व सांगितलं। त्र्यंबकेश्वर में कुंभ है, नासिक में कुंभ है, भारत वर्ष में 13 अखाड़े, इनमें से 3 अखाड़े वैष्णव है जो राम जी को मानते हैं और 10 अखाड़े शैव है जो शिव जी को मानते हैं। इनमें नागा अखाड़े सहित सभी 10 अखाड़े त्र्यंबकेश्वर में शाही स्नान में शामिल है। त्र्यंबकेश्वर छोटी भूमि है इसलिए साधु लोग भी सारे उनके अखाड़ों के भक्तों को यहाँ नहीं। नासिक में वैष्णव साधु स्नान कुछ काम की तिथियां एक ही होती, बाकी व्यवस्था के अनुसार परंपरा से चली आई हुई तिथियों के ऊपर ही ये शाही स्नान त्र्यंबकेश्वर एवं नासिक में होता है। 1991 राज्य बोलते हैं, पुराण मतवादी राज्य, देव धर्म परंपरा इन लोगों को इसकी तरफ शासन की दृष्टि से देखना शुभाचुभ की तरह मानते। त्र्यंबकेश्वर और नासिक में कुंभ में 1991-92 में पहली बार शासन की ओर से मदद कार्य 2002-03 में और अभी 2014-15 में बड़ी मात्रा में यहाँ कुंभ के समय कार्य है। केंद्र में मोदी जी की सरकार आने के बाद में त्र्यंबकेश्वर ने प्रसाद योजना करके विशेष रूप से योजना। त्र्यंबकेश्वर ये पूरा तहसील है महाराष्ट्र के अंदर में अगर देखे तो भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा तहसील हमारा त्र्यंबकेश्वर का है, आदिवासी इलाका है। यहाँ आने वाले लोग भक्तों के ऊपर ही पूरी त्र्यंबकेश्वर परिसर की जो भी अर्थव्यवस्था है वो आने वाले लोगों के ऊपर, विशेष रूप से पुरोहितों के यहाँ आने वाले जो भक्त हैं जो अपने पूर्वजों को सदगति प्रदान करने के लिए यहाँ कार्य करने आते हैं, इसमें नारायण बलि नागबलि नाम का एक पूजा किया जाता है। यहाँ पैसा मिलेगा आने वाले लोगों के द्वारा, इसलिए बहुत जगह से लोग आके यहाँ पर अलग से अपना एक पुरोहित का दुकान बना के बैठे, ऐसे नहीं होते। मुझे दूसरे स्थान पे जाना है, वो तीर्थ का जो पुरोहित है उसका भी मुझे गौरव बढ़ाना है, मैं उससे छोटा भाई बन के रहूं, मैं उसका गंध पोछ के उसका तिलक पोछ के अपने तिलक को नहीं लगाऊं, ये भाव मन में रहना चाहिए और हमारा झगड़ा छूट जाने के लिए किसी तीसरे को आने की जरूरत नहीं पड़े, ये भी भाव हमें ध्यान में। पुरोहित है ब्राह्मणों से मुखवासी बाहु बोला है, हमारे अंदर में अनेक विचार रहेंगे लेकिन अंतिमतः राष्ट्र का देश का जैसे बोला है कि वयम राष्ट्र के जागरयाम पुरोहितः, राष्ट्र के जागरयाम में महत्वपूर्ण कार्य पुरोहितों के द्वारा ही होगा। ये कार्य के ये महाधिवेशन के रूप में हम सब लोग यहाँ आए, त्र्यंबकेश्वर में भूमि में आप सभी का स्वागत है। इसी तरह आप जिस जिस स्थान से भी आए उस स्थान का गौरव हमेशा बढ़ा रहे, ब्राह्मण की प्रतिमा बनी रहे और ब्राह्मण के द्वारा सही कार्य हो, यही आप सबको मैं मन से गहरे दिल से शुभकामनाएं देता हूँ और मेरी वाणी को विराम देता हूँ। तसेच कार्यक्रम यशस्वीतेसाठी पुरोहित संघाचे अध्यक्ष तथा त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्टचे विश्वस्त प्रशांत गायधनी, अखिल भारतीय तीर्थ पुरोहित महासभेचे महामंत्री जयंत शिकरे, त्र्यंबकेश्वर पुरोहित संघाचे पदाधिकारी मार्गदर्शक सदस्य यांनी विशेष परिश्रम घेतले। कार्यक्रमाचं सूत्रसंचलन बाळासाहेब चांदवडकर तर आभार प्रदर्शन प्रशांत गायधनी यांनी केलं। वेद न्यूज साठी व्हिडिओ जर्नलिस्ट रवींद्र धारणे त्र्यंबकेश्वर।